नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारतीय सेना को मिल रहे हैं बेहद घातक स्वदेशी रूप से तैयार किए गए सैकड़ों टैंक्स। तो ये कौन से टैंक्स हैं, और इस समय जब लद्दाख में डिस इंगेजमेंट चल रहा है, तब इन्हें क्यों प्रोक्योर किया जा रहा है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले एक साल से भारत और चीन के बीच चल रहा गतिरोध अब खत्म होता दिख रहा है, और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि चीन काफ़ी तेज़ी से पीछे हट रहा है। अब ये चीन का दिखावा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल चीन ने जिस गति से डिस इंगेजमेंट किया है, उसने सभी को चौंका दिया है। लेकिन इसके पीछे कारण भी है कि भारत इतनी मजबूत स्थिति में है कि चीन पीछे हटने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। और जिस तरह से इस बीच पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ एक माहौल तैयार हुआ है, उसके चलते चीन भारत से भिड़ना नहीं चाहता है। और फिर भारतीय सेना ने चीन को ऐसा जवाब दिया है जिसे देखकर चीन वैसे भी डरा हुआ है। दोस्तों, दुनिया भर की न्यूज एजेंसियां और मीडिया हाउसेस के बाद अब रूस की मीडिया ने भी यह खुलासा किया है कि गलवान की घाटी में भारतीय सेना ने 45 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। और चीन ने इससे पहले भारत से यह उम्मीद भी नहीं की थी कि भारतीय सेना इतना एग्रेसिव जवाब दे सकती है। अब इसलिए चीन में बहुत तेजी से पीछे भी हट रहा है, और इसी बीच भारतीय सेना प्रोक्योर करने जा रही है स्वदेशी रूप से बनाए गए घातक टैंक्स। दोस्तों, भारतीय सेना को बॉर्डर पर दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए कल मेक इन इंडिया अर्जुन मार्क 1A टैंक्स मिलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद रविवार को इन टैंक्स को सेना को सौंपेंगे। बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय की बैठक में 118 उन्नत अर्जुन मार्क 1A टैंक को भारतीय सेना में शामिल करने का फैसला किया गया था। इन 118 टैंक्स की लागत करीब 8,400 करोड़ रुपए है। इन टैंकों के मिलने के बाद भारतीय सेना जमीन पर पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को चेन्नई के आवड़ी में टैंक प्रोडक्शन यूनिट में अपग्रेडेड वर्जन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस टैंक के डिजाइन को DRDO ने तैयार और विकसित भी किया है। और बता दें कि भारतीय सेना के बेड़े में पहले से ही 124 अर्जुन टैंक शामिल है। अब और 18 टैंक शामिल होने जा रहे हैं। सेना में पहले शामिल किए गए टैंक्स को पश्चिमी रेगिस्तान में तैनात किया गया है। इन 118 टैंकों से 2 रेजिमेंट बनेंगी। DRDO काफी समय से इसको अपडेट करने में लगा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2004 में देश में ही निर्मित अर्जुन टैंक को सेना में शामिल किया गया था। इस टैंक को काम में लेने के बाद सेना ने इसके उन्नत वर्जन के लिए कुल 72 तरह के सुधारों की मांग की थी। DRDO ने सेना के सुझावों को शामिल करते हुए हंटर किलर टैंक तैयार किया था, और मार्च में पोखरण में ही इनका परीक्षण भी किया गया था जिसमें ये खरे उतरे थे। लेकिन सेना ने कुछ और भी सुधारों के लिए DRDO से कहा था। दोस्तों, टैंक में DRDO के 4 सुधारों के बाद अब इसमें फायर पावर क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ाया जा चुका है। नई टेक्निक का ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया गया है। यह अपने लक्ष्य को खुद तलाशने में सक्षम है। टैंक में कमांडर, गनर, लोडर और चालक का क्रू होगा। यह टैंक युद्ध क्षेत्र में बिछाई गई माइंस को भी साफ करते हुए आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, केमिकल अटैक से बचने के लिए विशेष तरह के इनमें सेंसर लगे हैं। तो ये घातक टैंक हमारी सेना की फायर पावर बढ़ाएंगे, वहीं इनके स्वदेशी होने की वजह से हमारे आत्मनिर्भर भारत को भी प्रोत्साहन मिलेगा। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।